Hello everyone in this video lecture of 8085 microprocessor programming i am going to discuss program to find the smallest number from a data array इन 8085 जीरो माइक्रो प्रोसेसर तो मैंने ये फाइव बाइट्स ली हैं इसमें से हमें स्मॉलेस्ट नंबर को फाइंड आउट करना है अगर हमसे कहा जाए कि फ़ाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर तो यू कैन ईजीली फाइंड कि वन टू इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर बट बहुत बड़ा डाटा सेट है तो उस केस पे आप कैसे फाइंड आउट करोगे यू जस्ट फीड द नंबर एंड यू गेट द आंसर तो हमें यही काम करना है यहाँ पर ठीक है तो अगर सपोज अगर एक्चुअली ये प्रोसेस कंपेरिजन का कैसे होता है हमारे जो डेटा है टू ए है वन टू है वन फाइव है थ्री एफ है एंड ट्वेंटी सपोज कि हमारा जो भी स्मॉलेस्ट नंबर होगा उसे हमें एक्यूमलेटर में सेव करना है तो फर्स्ट नंबर को मैंने एक्यूमलेटर में लिया दूसरे नंबर को मैंने इसी एड्रेस पे रहने दिया नाउ मैंने कंपेयर किया वन टू एंड टू ए को इन दोनों में से जो भी हमारा स्मॉलेस्ट नंबर होगा उसको हम कहाँ सेव करेंगे इन एक्यूमलेटर ठीक तो प्रीवियसली एक्यूमलेटर में टू ए था बट दिस वॉज ग्रेटर और लार्जर देन ट्वेल्व तो हमने इसको 12 को शिफ्ट कर दिया एक्यूमुलेटर में नाउ जो इन दोनों के कंपैरिजन के बाद रिजल्ट आया नाउ दिस रिजल्ट विल बी कंपेयर विथ थर्ड नंबर अब हमने इसके साथ कंपैरिजन किया इन दोनों में से जो भी स्मॉलेस्ट होगा हम उसे एक्यूलेटर में रखेंगे तो नाउ इन दिस केस 12 वाज एक्यूमुलेटर में एंड आफ्टर कम्पेरिजन ट्वेल्व इज स्मॉलेस्ट तो ट्वेल्व ही एक्यूमलेटर में रहेगा नाव नाव अब हम किसके साथ कंपेयर करेंगे थ्री के साथ अगेन ट्वेल्व इज ला स्मॉलेस्ट नाउ हम कंपेयर करेंगे विथ ट्वेंटी एंड अगेन ट्वेल्व इज द स्मॉलेस्ट तो आउटपुट पर हमें क्या मिलेगा ट्वेल्व ठीक है तो ये मैंने एक जस्ट एग्जाम्पल लिया तो हमें यही प्रोग्राम लिखना है नाउ काउंट कितने थे हमारे वन टू थ्री फोर फाइव मीन्स कि फाइव बाइट्स थी तो काउंट हमारे फाइव थे अगर हमारी सिक्स बाइट होगी टेन बाइट होगी तो काउंट की वैल्यू भी अकॉर्डिंग टू दैट होगी ये जो फाइव बाइट्स थे वो इन लोकेशंस पर स्टोर है ठीक है जस्ट प्रीवियस वाली लोकेशन पे मैंने काउंट को लोड करना है तो इन दिस केस जो कंपैरिजन होना है इन फाइव बाइट्स का होना है तो काउंट विल बी जीरो फाइव ठीक है तो सबसे पहले हम क्या लोड करेंगे काउंट को तो हमने क्या लिखा एल एक्स आई एच टू फाइव जीरो जीरो इन एच एल पेयर क्लियर नाउ काउंट का एड्रेस मिल गया अब हम काउंट को डालेंगे एक रजिस्टर में तो अब हम उसे मूव करा देंगे तो मैंने क्या लिखा मूव सी कॉमा एम उंड काउंट इन रजिस्टर सी तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रोग्राम वट इज द काउंट वैल्यू काउंट वैल्यू इज जीरो वट इज द कंटेंट ऑफ सी सी का कंटेंट हो जाएगा जीरो फाइव ठीक नाउ अब हमें क्या करना है अब हमें चाहिए फर्स्ट नंबर मीन्स की टू ए तो नाउ आई एन एक्स एच ठीक है तो दिस एड्रेस ऑफ फर्स्ट नंबर इन एच एल पेयर ठीक है एच एल पेयर की वैल्यू क्या हो गई इस केस में पेयर की वैल्यू क्या थी टू फाइव जीरो जीरो नाव एच एल पेयर का कंटेंट क्या होगा टू फाइव जीरो वन नाउ अब हम फर्स्ट नंबर को मूव करेंगे इन एक्यूमुलेटर तो मूव ए कॉमा एम ठीक है मीन्स फर्स्ट नंबर इन लेटर ठीक अब हमने एक काउंट तो ले लिया तो कितने काउंट बचे वन टू थ्री फोर मीन्स की इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी डिक्रीमेंट तो हम यहां क्या लिखेंगे डी सी आर सी मीन्स काउंट इज इक्वल टू काउंट माइनस वन ठीक है फॉर दिस केस इट विल बी फोर नाउ अब हम सेकेंड नंबर हमें चाहिए ट्वेल्व क्योंकि हमें टू ए को कंपेयर करना है विथ ट्वेल्व तो उसका एड्रेस तो हमने लिखा आई एन एक्स एच तो अब एच पेयर की वैल्यू क्या गई टू फाइव जीरो टू दिस इज द एड्रेस ऑफ नेक्स्ट डेटा और नेक्स्ट नंबर ठीक नाउ अब हमें जब डेटा मिल गया तो अब हम कंपेयर करेंगे सी एम पी एम ठीक है नाउ यहां पर हमारा कंपैरिजन होगा स्मॉलेस्ट के लिए तो हम चेक करेंगे नेक्स्ट नंबर स्मोलेस्ट नंबर बेसिकली कंटेंट ऑफ एम को चेक करेंगे विद द कंटेंट ऑफ एक्मलेटर ठीक है कि ये एक्यूमलेटर से लेस है या नहीं ठीक है ये हमारा कंपेरिजन होगा तो बेसिकली यहाँ पे कंपेरिजन क्या होगा कि एक्मलेटर के साथ मेमोरी लोकेशन के कंटेंट को माइनस करेंगे ठीक है फ दिस नंबर इफ ए जो ए की वैल्यू है लेस देन एम होगी कंटेंट ऑफ़ एम मीन्स की नेक्स्ट नंबर से कम होगी तो सी एफ विल भी हाई बिकॉज सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं बोरों की रिक्वायरमेंट होगी अगर हम स्मॉल नंबर से लार्जेस्ट नंबर को माइनस करेंगे बट इफ ए का ए की जो वैल्यू होगी इफ़ दैट इज ग्रेटर देन द कंटेंट ऑफ मेमोरियल लोकेशन उस केस में सी एफ की वैल्यू क्या होगी जीरो और हमें एक्यूमलेटर में क्या चाहिए स्मॉलेस्ट नंबर तो हमें मूव कराना पड़ेगा तो पहला केस हम ये देखते हैं कि वेन एक्यूमलेटर नंबर तो वॉट इज द वैल्यू ठीक है तो यहां पर क्या होगा जे सी हमें स्मॉलेस्ट नंबर चाहिए किस में एक्यूमलेटर में अगर कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई मीन्स कि कैरी फ्लैग जनरेट हो गया ठीक है तो ये मैं यहाँ पर लिख देती इफ यस तो ये कहा जाएगा गो अहेड गो एहेड अहेड पर जाके क्या करेगा वो कंपेरिजन हमारा जो डन हो गया एक्यूमलेटर में हमें स्मॉलेस्ट नंबर मिल गया अब हमें दूसरे नंबर के साथ कंपेरिजन करना है तो हम क्या लिखेंगे डी सी आर सी ठीक ये कंडीशन हुई तब जब एक्यूमलेटर हैव स्मॉलेस्ट नंबर इफ़ एक्ूमलेटर हैव नॉट स्मॉलेस्ट नंबर मीन्स इफ इफ दिस नंबर नेक्स्ट नंबर इज स्मस्ट तो हमें उसे मूव कराना होगा कहाँ एक्यूमलेटर में तो हम यहाँ क्या लिखेंगे मूव ए कॉमा एम ठीक ये कंडीशन कब होगी जब ये कंडीशन नहीं होगी मीन्स कि वेन सी एफ इज इक्वल टू जीरो अगर कैरी फ्लैग जनरेट नहीं होता है तो ठीक है तो यहाँ पर कंडीशन जब हो गया था तो हम कहां पर जम्प कर रहे थे यहां पर तो इसको मैं नाम दे देती हूँ अहेड तो हमने यहां लिख दिया अ ठीक है इसका लेबल यहां डिफाइन कर दिया अहेड, ठीक है नाउ अब आफ्टर डिबेट इट डिपेंड माइक्रो प्रोसेसर विल चेक कि काउंट इज जीरो और नॉट अगर नॉट इज ज़ीरो तो ये प्रोसेस को रिपीट करेगा इफ काउंट इज जीरो तो वो क्या करेगा स्टॉप करेगा ठीक है तो अगर वो काउंट जीरो नहीं होता है तो वो कहाँ जाएगा नेक्स्ट नंबर पे और नेक्स्ट नंबर हमें कहाँ मिल रहा है यहां पर ठीक है तो हम यहाँ लिखेंगे जे एन यहाँ लिख देते हैं बैक या आप लिख सकते हो नेक्स्ट बाइट ठीक है तो यहाँ मैं डिफाइन कर देती हूँ मेरे बैक का मीन्स है कि मुझे कहाँ आना है नेक्स्ट नंबर पर ठीक ना अगर ये जीरो हो जाता है ठीक है अगर जीरो हो जाता है तो क्या होगा कि जो कंटेंट एक्यूमलेटर में था दैट इज द स्मॉलेस्ट अब हमें उसे मेमोरी पर सेव करना है तो हम क्या लिखेंगे एस टी ए सपोज कि मैं उसे सेव कर रही हूँ एट टू फाइव सेवन जीरो एच Then HLT, इसका मीन्स क्या है सेव स्मॉलेस्ट नंबर नंबर फ्रॉम एक्ुमलेटर टू मेमोरी लोकेशन टू फाइव सेवन जीरो एच और फॉर दिस एग्जाम्पल आउटपुट पर हमें क्या मिलेगा मेमोरी लोकेशन होगी हमारी टू फाइव सेवन जीरो एच एंड एट दिस डेटा विल बी ट्वेल्व एच दिस इज़ द स्मॉलेस्ट ठीक है तो दिस इज़ द प्रोग्राम नाउ मैं इसकी आपको लोकेशंस भी बता देती हूँ यहाँ पर एलेक्स आई की लोकेशन सपोज मैंने स्टार्ट किया दिस प्रोग्राम एट टू ज़ीरो फाइव जीरो से एलेक्साई इज अ थ्री बाइट इंस्ट्रक्शन तो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो होगा वो टू जीरो फाइव थ्री पर ना मूव इज वन बाइट इंस्ट्रक्शन तो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन एट टू ज़ीरो फाइव फोर अगेन दिस इज़ वन बाइट तो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन एट टू जीरो फाइव 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 नाउ दिस इज मूव इज वन बाइट तो डी सी आर कहाँ पर होगा टू जीरो फाइव सिक्स डी सी आर इज़ वन बाइट तो यहाँ क्या होगा टू जीरो फाइव सेवन अगेन दिस इज़ वन बाइट तो यहाँ होगा टू ज़ीरो फाइव एट अगेन दिस इज़ वन बाइट तो यहाँ होगा टू ज़ीरो फाइव नाइन जे सी एस थ्री बाइट तो नेक्स्ट लोकेशन क्या होगी नाइन प्लस थ्री ट्वेल्व और ट्वेल्व को क्या लिखते हैं सी तो यहाँ होगा टू ज़ीरो फाइव सी नाउ मूव इज वन बाइट तो डी सी आर की लोकेशन होगी टू ज़ीरो फाइव डी डी सी आर इज वन बाइट तो जे एन जेड की लोकेशन होगी टू ज़ीरो फाइव ई नाउ जे एन जेड इज़ थ्री बाइट ई इज़ फोर्टीन फोटीन में थ्री एड किया तो सेवनटीन सेवनटीन को क्या लिखते हैं वन वन और फाइव ऑलरेडी था तो इट विल बी टू ज़ीरो सिक्स वन ना नाव एस टी एज थ्री बाइट तो यहाँ पर हम थ्री ऐड करते हैं तो हॉल्ट की लोकेशन क्या होगी टू जीरो सिक्स टू ठीक है जब हम प्रोग्राम फीड करेंगे तो ऐड की जगह पर हम क्या लोकेशन लिखेंगे जो है टू जीरो फाइव डी मीन्स की लोकेशन ऑफ डी सी आर ठीक है एंड जे एन पर बैक की जगह पर हम क्या लोकेशन लिखेंगे जो इस लेबल का एड्रेस है मीन्स की टू जीरो फाइव सेवन ठीक है तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा स्टिल यू हैव एनी डाउट प्लीज राइट डाउन इन कमेंट सेक्शन थैंक यू